गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा में उस समय रंग में भंग पड़ गया, जब अचानक से आई तेज आंधी और बारिश के कारण उनकी आभार सभा के मंच का टेंट ही उड़ गया। जैसे ही टेंट उखड़ा, किसी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों ने उन्हें संभाला और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सकुशल मंच से नीचे उतार कर ले जाया गया। दरअसल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने और दिल्ली में शपथ लेने के बाद पहली बार क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे थे। सिंधिया के स्वागत में गुना बाईपास से लेकर शिवपुरी शहर के अंदर तक सभी जगह समर्थकों के द्वारा होर्डिंग और बैनर लगाए गए थे। सिंधिया के शिवपुरी आने पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी पिछले दो दिन से चल रही थी। तय कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां पर उनकी लोकसभा जीत पर जनता का आभार व्यक्त करने रैली के रूप में रोड शो शुरू किया गया, जो शिवपुरी शहर के माधव चौक पर समाप्त हुआ। यहीं पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा का भी आयोजन किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जनता का आभार जताते हुए सिंधिया मंच पर स्थानीय नेताओं के साथ पहुंचे। इस बीच बारिश होने लगी और बरसते पानी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी आभार सभा को जारी रखा और वहां मौजूद जनता को संबोधित भी किया। शिवपुरी के माधव चौक पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा का कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी शुरू हुई बारिश और तेज आंधी ने आभार सभा के बीच खलल डाल दिया। आंधी इतनी तेज थी कि मंच के ऊपर लगे टेंट को ही उखाड़ ले गई और जनता के लिए लगाई गई कुर्सियां भी बिखर गई। अचानक पंडाल के मंच के ऊपर आने से हड़कंप मच गया। हालांकि आंधी बारिश के बीच मंच पर मौजूद स्थानीय नेता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सही सलामत मंच से नीचे उतार कर सुरक्षित किया। आज